अस्सलामुअलैकुम, मेरे सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली आ चुके हैं फिर एक न्यू मॉर्निंग के साथ। सो आज है ट्यूसडे और बाकी सुबह टाइम उठे हैं ना, हाथ धो लिया है, पीछे हैं हमजा भाई। सो फाइनली आज का दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यही मेन रीज़न है जिस वजह से हम लोग ब्रिस्बेन आए हैं। और कल का दिन जो है काफ़ी अच्छा गुजर गया, काफ़ी इंजॉय किया है और थोड़ा सा रिग्रेट भी है क्योंकि कुछ जगह पर हम लोग गए एंड लेट हो गए थे। सो इस वजह से कोई नहीं, बाकी आज का दिन जो है स्टार्ट करते हैं। और आज का जो 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 मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो यही है कि आज है हमारा ड्राइविंग टेस्ट। सो आज है मेरा और हमजा भाई का। सो अतीक का जो है वो वेनसडे को बुक हुआ है। सो आज अभी सुबह टाइम उठे हैं एंड अभी जाना है हमने एक नेक्स्ट सबर्ब में जहाँ पे हमारा टेस्ट होगा, लोगन। वहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है ट्रेनिंग लेंगे ड्राइविंग की। वैसे तो आती है ड्राइविंग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। सो पहले ट्रेनिंग लेंगे, वो जो है प्रॉपर हमें गाइड करेगा किस तरह चलानी है किस तरह नहीं, ईच एंड एवरीथिंग। एंड देन उसके बाद जो है हमारा होगा टेस्ट और उसके बाद जो है आएंगे रिजल्ट्स और फिर पता चलेगा कौन कितना है पानी में। सो फाइनली इंशाल्लाह अच्छे की होप कर रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है बेहतर ही होगा, बाकी वो तो जो किस्मत में है वही होना है। सो बाकी कोई नहीं, अभी उठे हैं, अतीक अभी सो रहा है, वो कह रहा है कि आप लोग चाहो टेस्ट दे के आओ एंड देन उसके बाद फिर कोई प्लान अगर बना तो ठीक है, नहीं तो अभी आप अभी तो सिर्फ दिन की शुरुआत हुई है। स्टे ट्यून, तो आपको नेक्स्ट अपडेट देते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ जी, तो अभी आ चुके हैं टेस्ट सेंटर में। तो बाकी अभी वो जो भाई हैं उन्होंने हमें देनी है ट्रेनिंग। सो ये है उनकी गाड़ी, ये क्रोला ही है जैसी हमारी है, लेकिन ये हाइब्रिड में है। सो बाकी अभी वो ट्रेनिंग लेंगे एंड देन उसके बाद टेस्ट है। बहुत अच्छे जतन, शाबाश, अच्छा पिकअप किया आपने। तो मैंने कहा आप को समझ आ गई है कि हाई टाइम स्पीडिंग का इशू नहीं होता है, उसकी खत्म हुई है, अपनी नहीं खत्म हुई। हाँ वो ठीक है, शाबाश, अपनी स्पीड में आ जाए। देखा साइन आपने? अच्छा स्पीड भी एकदम से नहीं देनी, ये बात भी जहन में बनाइए। जब भी आपने स्पीड बढ़ानी है आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाते जाए, इंजन की ज़्यादा आवाज़ ना आए। फर्स्ट ट्रिगर, राउंड अबाउट से मेक ए यू टर्न। कैसे अज्यूम किया कि ये 60 का जोन है? आप खुद से अज्यूम नहीं कर सकते अगर कोई नो स्पीड साइन। ओके, ये आई अंडरस्टैंड कि आपको तुक्का कामयाब है, ये है था 60 का जोन। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है तो साइन उन्होंने उखाड़ दिया है, बट कानून के मुताबिक क्योंकि कोई साइन नहीं आया तो एग्जामिनर आपकी ये मिस्टेक नहीं निकाल सकता। ठीक है, क्योंकि आपको आप कह सकते हो भाई कोई साइन नहीं था, डेट साइन वाज ऑन 49, आपने 4950 पे जाना है, वो कह देगा तो एक डिफरेंट सेपरेट इशू है। एट द राउंड अबाउट फर्स्ट एग्जिट शोर्ड नहीं देखा आपने, पीछे विंडो नहीं देखी आपने, आपने गाइन चेंज की है नहीं देखी? जिस जगह पे आप खड़े हो यहाँ से कितने गाइने सीधी जाती है? दो। यहाँ से कितनी जाती है? यहाँ तो एक। आगे कितनी है? दो। तो आप सीधा किस में जाओगे? लेफ्ट। किसी में भी जा सकते हैं, ठीक है? आपने अच्छा, अगर आपने लेफ्ट साइड पे जाओगे तो आगे साइन पढ़ो क्या है? 60 का। नहीं, उससे पीछे फॉर्म वाले, उसमें जाने का फायदा है आपको? नहीं। तो फिर किस में जाना चाहिए? राइट में। यस, इट्स अ बेटर ऑप्शन। मतलब जब गाड़ी रोकनी है उसके पीछे तब उसके टायर दिखने चाहिए, लेकिन चलते हुए जो है ज्यादा गैप होना चाहिए। 2 सेकंड रिवर्स एक्सरसाइज, बैक कीजिए, नो इंडिकेटर, फर्स्ट गियर चेंज, हाथ मिड में होना चाहिए। यहाँ पे वो शीशा देखे कोई गाड़ी तो नहीं है? नहीं। इधर पीछे देखे कोई गाड़ी तो नहीं है? नहीं। ब्रेक छोड़ आहिस्ता से, फुट आपका ऊपर ही होना चाहिए। पीछे देखे 3 सेकंड, 1 सेकंड, इसमें कहीं जहाँ देखे, अगेन वहाँ देखे, कहीं जहाँ देखे, स्पीड का कोई इशू नहीं है इसमें। सामने से गाड़ी आएगी कोई इशू नहीं है।
फिर स्टॉप हो जाए। दैट्स ओके गो। Make it a point. One indicator. Either the case said yes. डाउट हुआ तो पीछे आना बैक अगेन। A few moments later. हाँ जी, तो हमजा भाई का जो है अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट पास हो चुका है, तो अभी हमजा भाई जो है पोस्टर के सामने आके खड़े हो चुके हैं और हमजा भाई का फोटो शूट करते हैं। कैसा लग रहा है हमजा भाई? यार बहुत खुशी हो रही है कसम से, बहुत टेंशन थी मुझे। और चल रहे भाई आपकी फोटो पास हो गया है एटलीस्ट। ये यही है आपका लाइसेंस? यही होगा। ये उठा के गाड़ी में रखो फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है दोनों भाइयों का टेस्ट जो है पास हो गया है। सो सच बताएं तो सुबह का हमने खाना भी नहीं खाया हुआ था, नाश्ता नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया सुबह का नाश्ता नहीं किया। और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, समझ लें कि आज का रोज़ा रखा हुआ था। हाँ पानी पिया थोड़ा बहुत है। सो बाकी जो है अभी भी जो है भूख मर गई है कसम से, यकीन माने टेस्ट पास हो गया तो भूख मर चुकी है। बाकी खुशी इतना है कि यार खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई यार। हमने ऑल द वे फ्रॉम कैनबरा 12 घंटे की ड्राइव करके थके हारे आगे सारा दिन यही टेंशन थी कि यार प्रेस क्या होगा, कैसा होगा, पास होगा भी या नहीं होगा, वापस कैसे जाएंगे। अगर मतलब हम वही बहुत टेंशन होती है ना, मेन बंदा खुद ही से, क्योंकि हमारा जो मेन था वो यही था, यही काम के लिए हम लोग आए, यही काम के लिए थे। बंदा खुद ही से ना अज्यूम कर लेता कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कसम से इतना स्मूथ बहुत ईजी था। बाकी मजीद जो है ना आपको बैठ के तफसील में बताते हैं, क्योंकि अभी खुशी के साथ हमें भी नहीं समझ आ रही कि क्या करना है।